नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कि आज 30 दिसंबर को पुनर्विकसित मतलब फिर से विकसित किए गए रेलवे स्टेशन और एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई। पीएम मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए जहां 15,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने शुक्रवार 29 दिसंबर को अयोध्या के अपने कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ के समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी दिशा में कल नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनसे अयोध्या और पूरी यूपी समेत देश के कई क्षेत्रों के मेरे परिवारजनों का जीवन आसान होगा। दोस्तों, अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या में देश भर से कलाकारों के विभिन्न समूहों की ओर से पीएम मोदी का स्वागत किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने भी कहा था कि हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन रामपथ तक रूट पर तैयार किए गए कुल 40 स्टेज में 1400 से भी ज्यादा कलाकार लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अयोध्या के वैभव मिश्रा रामलला की धरती पर शंख बजाकर और काशी के मोहित मिश्रा डमरू बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किए। कई कलाकार अवधी और वन टांगिया कला प्रस्तुत किए। नोएडा की रागनी मित्रा और सुल्तानपुर के ब्रिजेश पांडे जहां अवधी लोक नृत्य प्रस्तुत किए, वहीं गोरखपुर के सहज सिंह शेखावत ने वन टांगिया नृत्य प्रस्तुत किया। पीएम मोदी सुबह करीब 11:15 पर अयोध्या रेलवे स्टेशन और दोपहर करीब 12:15 पर नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल रहे। पीएम मोदी के दौरे के लिए अयोध्या में सुरक्षा की भारी तैनाती के साथ ही शहर को फूलों, भित्ति चित्रों और सजावटी स्तंभों से सजाया गया। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और पिछले दो दिनों में शहर में घने कोहरे के बावजूद सभी व्यवस्थाएं ठीक की गईं। प्रशासन ने गुरुवार 28 दिसंबर को हाल ही में पुनर्विकसित रामपथ के दोनों किनारों और हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन के रास्ते में पड़ने वाली अन्य सड़कों पर अस्थायी लकड़ी के बैरिकेड लगाने का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के बीच एक रोड शो भी किए और अयोध्या के लोगों का अभिवादन स्वीकार भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाले और अयोध्या में स्वागत का संदेश देने वाले बड़े पोस्टर शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर लगाए गए। राम जन्मभूमि मंदिर स्थल की ओर जाने वाले नए औपचारिक प्रवेश द्वार के पास रामपथ पर लगाया गया एक विशाल पोस्टर संदेश देता है कि प्रभु राम की नगरी में आपका स्वागत है। इसमें उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के और अयोध्या नगर निगम का भी जिक्र किया गया है। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर ने कहा, हम प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। शहर को फूलों से सजाया गया। विभिन्न अस्पतालों और राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में बिस्तर आरक्षित किए गए और सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। अयोध्या के श्री राम अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि पुराने अस्पताल भवन के एक वार्ड में 20 बेड और नई बिल्डिंग में 5 आईसीयू के बेड आरक्षित किए गए। शुक्रवार सुबह खाली पड़े वार्ड में आरक्षित वार्ड का बोर्ड लगा दिया गया। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने कहा कि मरीजों को दूसरे वार्डों में भी शिफ्ट किया गया था। दयाल ने कहा, कोहरे के कारण दृश्यता समस्या हो गई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को प्रस्तावित अयोध्या यात्रा रद्द कर दी गई। पीएम मोदी को देखते हुए सीएम शुक्रवार रात अयोध्या में ही गुजारे। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अयोध्या में समीक्षा बैठक किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी यात्रा के मद्देनजर शहर में भारी सुरक्षा तैनात की गई। अयोध्या यात्रा के दौरान पीएम मोदी 2 नई अमृत भारत और 6 नए वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी अयोध्या में नागरिक सुविधाओं के सुधार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राम मंदिर तक पहुँच बढ़ाने के लिए पीएम मोदी अयोध्या में 4 नव विकसित चौड़ी और सुंदर बनाए गए सड़कों रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन करेंगे।
दोस्तों ये थी हमारी अपडेट, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबरेलाल टीवी में।